होर्डिंग पे लिखा है जन सेवा के 3 वर्ष और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का चेहरा आपको नजर आए। साथ साथ आज के समय झारखंड में कोई भी अखबार आप उठाएं तो उस अखबार के पहले पन्ने पे आपको यही फिर हेडलाइन नजर आएगी, जन सेवा के 3 वर्ष और माननीय मुख्यमंत्री जी का चेहरा। यानी हम लोगों के ही पैसे लेकर, जनता के पैसे लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ये प्रचार कर रहे हैं कि ये जन सेवा के 3 वर्ष हुए हैं। 3 वर्ष तो हो चुके हैं और इसलिए जनता हिसाब मांग रही है और जिम्मेवार विपक्ष होने के नाते हम लोग भी हिसाब मांग रहे हैं। लेकिन जब हम हिसाब करते हैं तो हमें जन सेवा के 3 वर्ष नहीं नजर आते, जन सेवा के 3 वर्ष हमें नहीं नजर आते हैं, हमें सिर्फ लूट झूठ और कूट के 3 वर्ष नजर आते हैं। जन सेवा नहीं, लूटने के, झूठ बोलने के और कूटनीति के 3 वर्ष हमें नजर आते हैं। ये लूट झूठ और कूट की ही सरकार है। आज के समय जो लूट चल रहा है इस राज्य में, जो भ्रष्टाचार चल रहा है वो चरम सीमा पार कर गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के खुद के स्टाफ, चाहे वो उनके निजी सचिव हों, चाहे वो उनके विधायक प्रतिनिधि हों, चाहे वो उनके मंत्री हों, उन सब पे छापा पड़ रहा है। उन सब के घर में बहुत करोड़ों कैश मिलता चला जा रहा है। उनके अधिकारियों को, जैसे पूजा सिंगल पे अगर छापा पड़ता है तो वहाँ 20 करोड़ कैश। आज किसी भी अधिकारी के ट्रांसफर पोस्टिंग की बात करें तो वहाँ भी पैसे पे ही ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है और ये जो वसूली की जा रही है उनके साथ, उसका यही मतलब हो रहा है कि आम जनता पे वसूली हो रही है। आप चाहे प्रखंड कार्यालय जाइए, रांची कार्यालय जाइए, आप कहीं भी जिले में चले जाइए, सब जगह अधिकारियों के द्वारा आम जनता पे वसूली ही चल रही है। तो ये लूट की तो सरकार है, कोयले का लूट हो रहा है, बालू का लूट हो रहा है, गिट्टी का लूट हो रहा है, जहाँ भी आप जाइए जिस प्रकार से लूट चल रहा है इसका कोई हिसाब नहीं कर सकता है। जन सेवा तो छोड़िए, जनता का सिर्फ लूट चल रहा है। साथ साथ आपको मालूम है ये सरकार ने कई वादे किए, हर वादे पे ये सरकार ने झूठ बोला था और जनता इस कारण अपने को बिल्कुल ठगा महसूस कर रही है। युवाओं को कहा गया कि हर वर्ष 5 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा, ये झूठ था। 5 लाख युवाओं को रोजगार नहीं मिला। किसानों को झूठ बोला गया, किसानों को कहा गया कि 2 लाख रुपए की ऋण की माफी होगी, ये झूठ था, ये नहीं होगा। सबको बताया गया था कि बिजली के 100 आपको मुफ्त यूनिट मिलेंगे, ये भी झूठ था, किसी को 100 यूनिट मुफ्त नहीं मिले। बच्चों को बताया गया, छात्रों को बताया गया कि आप स्कूल में पढ़ते हैं तो आपको मुफ्त में साइकिल मिलेगी, ये भी झूठ था, किसी को साइकिल नहीं। फिर कहा गया कि पेट्रोल सब्सिडी में सबको कूपन मिलेगा, सबको पेट्रोल सब्सिडी मिलेगी, ये भी झूठ, किसी को पेट्रोल सब्सिडी नहीं मिलती। तो जैसे मैंने कहा, ये सरकार जो है ये लूट की भी सरकार है और झूठ की भी सरकार है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।